अच्छे और मजेदार न्यूज़ हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव बुधवार को फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश अस्थाना की अदालत में हाजिर हुई। उसने मध्यस्थता केंद्र में जाने से इनकार कर दिया। इस संबंध में अदालत में एक आवेदन दिया गया है जिसमें तारा ने आगे केस लड़ने की इच्छा जताई है। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। उस दिन तय होगा कि किस किस मामले में केस चलेगा। अदालत में हाजिर होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तारा शाहदेव ने कहा कि बात नहीं मानने पर रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन उसे कुत्ता से कटवाता था, कई तरह से प्रताड़ित करता था, हमेशा मारपीट करता था। तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने अदालत में आवेदन दिया था कि मामले को मध्यस्थता केंद्र में भेजकर वहां सुलह कर ली जाए। बुधवार को रकीबुल भी अदालत में हाजिर हुआ था। वह सिर पर रुमाल बांधे था। उस पर अदालत ने आपत्ति जताई तो बताया गया कि मुस्लिम लोग सिर पर टोपी या कपड़ा बांधकर अदालत में आदर भाव से जाते हैं। धर्म परिवर्तन, दहेज प्रताड़ना सहित कई आरोप हैं। इस मामले में 29 जून को डेट पड़ा था जिसमें तारा शाहदेव उपस्थित हुई थी। तारा ने अदालत में जो आवेदन दिया है उसमें जबरन धर्म परिवर्तन कराने, बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट व गाली गलौज व तरह तरह से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में तारा शाहदेव की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन के बाद ही उसे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा था। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर उससे दहेज की मांग व तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। बाद में तारा शाहदेव ने हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।